तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ आप माइनक्राफ्ट ट्रायल में विलेजर आउटपोस्ट एंड विलेज कैसे ढूंढ सकते हो। बोले तो आज हम यहाँ पर विलेजर आउटपोस्ट एंड विलेज में जाने वाले हैं, वो भी माइनक्राफ्ट ट्रायल में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चलो बिना देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फाइनली गाइज, मैं माइनक्राफ्ट ट्रायल में स्पॉन हो चुका हूँ। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, यहाँ पर आप सभी लोगों को ग्रास दिख रही है। अब चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्री के पास चलता हूँ एंड ओके फाइनली गाइज, मैं ट्री के पास आ चुका हूँ। चलो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके फाइनली गाइज, मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट कर लिया। उनसे सबसे पहले मैं कुछ प्लैंक बना लेता हूँ एंड यहाँ से कुछ स्टिक क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड एक क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेता हूँ। अब चलो सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर प्लेस करता हूँ एंड सिंपली ओपन कर लेता हूँ। अब बना लेता हूँ यहाँ पर मैं एक वुडन की पिकैक्स एंड ओके। अब चलो सीधा चलता हूँ मैं नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोबल स्टोन के बेसिक टूल भी तो बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कोबल स्टोन की जरूरत पड़ने वाली है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा बहुत कोबल स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके फाइनली गाइज, मैं कोबलस्टोन कलेक्ट करके आ चुका हूँ। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोबलस्टोन की सोड एंड यहाँ पर एक कोबलस्टोन की पिकैक्स एंड यहाँ पर एक फर्निस एंड यहाँ पर एक कोबलस्टोन की बोले तो एक्स बना लेता हूँ। अब चलो सबसे पहले मैं यहाँ से ये अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के उठा लेता हूँ। अब चलो सीधा चलता हूँ मैंने सामने की तरफ। एक सेकंड को भाई, ये कैसे क्लिक हो गया भाई, ऑटो क्लिक हो रहा है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे पिकी को क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर फूड की जरूरत पड़ने वाली है एंड ओके फाइनली गाइज, मैंने वो पिकी तो क्लिक कर लिया एंड यहाँ पर एक सी बी स्पून हो चुका है। चलो इसे भी यहाँ से किल कर लेते हैं एंड ओके फाइनली मैंने यहाँ से सीप को भी किल कर लिया एंड एक सीप मुझे सामने की तरफ दिख रही है। तो भाई मेरा बेड तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएगा यहाँ पर एंड एक सेकंड को एक सेकंड ओके फाइनली मैंने यहाँ पर सीप को भी किल कर दिया है। अब चलो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक बोट भी बनानी होगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वुड की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि रास्ते में यार नदी पड़ने वाली है, तो उसमें एक बोट की तो जरूरत पड़ने वाली है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्री के पास चलता हूँ। कौन से ट्री से मैं वुड यहाँ पर कलेक्ट करूँ, ये जो छोटा सा ट्री दिख रहा है यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ मैं एंड एक सेकंड रुको गाइज, एक सेकंड रुको, इस वाले ट्री के पास से मैं वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, इस वाले ट्री के पास से कलेक्ट कर लेता हूँ मैं एंड ओके फाइनली गाइज, यहाँ से मैंने वुड कलेक्ट कर लिया। अब चलो सबसे पहले मैं एक सेकंड रुको, यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर प्लेस करता हूँ एंड सिंपली ओपन कर लेता हूँ। अब बना लेता हूँ मैं यहाँ पर कुछ स्टिक एंड यहाँ पर एक सवल। अब बना लेता हूँ सिंपली यहाँ पर एक बोट एंड ओके फाइनली गाइज, यहाँ से सबसे पहले मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के उठा लेता हूँ। अब चलो सीधा चलता हूँ मैं सामने की तरफ एंड एक सेकंड रुको एंड ओके, और मुझे एक सीप यहाँ पर भी दिख रही है, तो यहाँ पर मेरा बेड तो बन जाएगा। भाई तीन सीप मिल गई, इतनी जल्दी स्पॉन होती है क्या सीप एंड ओके फाइनली गाइस, देख सकते हो हम सामने की तरफ जा रहे हैं एंड जो आप सभी लोगों को यहाँ पर आइलैंड दिख रहा है, तो हमें इस तरफ जाने, जो हमारे थर्ड वाले कोऑर्डिनेट है ये हमें यहाँ पर 1800 पे लेकर जाने हैं। तो अगर आप यहाँ पर, आपको पता है कोऑर्डिनेट के बारे में, तो यहाँ पर आप वीडियो थोड़ी स्किप कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो को यहाँ पर फुल वॉच करो, क्योंकि मैं अब यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने वाला हूँ अपनी वीडियो में। चलो मिलते सीधा हम यहाँ पर प्लेजर आउटपोस्ट के पास जाके, उसके बाद हम विलेज में भी जाने वाले हैं। तो इतना आप वीडियो को एंजॉय कीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ।
एंड ओके फाइनली गाइज देख सकते हो हम यहाँ पर प्लेजर आउटपोस्ट के पास पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, क्योंकि रास्ते में पहले हमें यहाँ पर प्लेजर आउटपोस्ट ही देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप इसे आकर लूट भी सकते हो, तो मैं तो यहाँ पर इसे लूट के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा विलेज की तरफ को चलता हूँ, क्योंकि वीडियो पहले से बहुत लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं यार इसे लूट के क्यों टाइम वेस्ट करूँ। चलो सीधा हम विलेज की तरफ को चलते हैं। एंड चलो आप वीडियो को फिर इंजॉय कीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। चलो हम सीधा विलेज में जाके मिलते हैं, इतना आप वीडियो को एंजॉय कीजिए।
ओके फाइनली गाइस देख सकते हो हम यहाँ पर विलेज में पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो। एंड मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, बीच में बहुत से बंदे कमेंट में बोलते हैं कि भाई वीडियो को फास्ट मत किया करो, तो देख सकते हो हम यहाँ पर विलेज में पहुंच चुके हैं। एंड मैंने यहाँ पर वीडियो को बीच में फास्ट भी नहीं किया था। एंड देख सकते हो यहाँ पर एक विलेज में यहाँ पर चेस्ट दिख रही है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर लूट लेते हैं। एंड यहाँ पर हमें इस चेस्ट में सैडल देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर अगर आप माइनक्राफ्ट ट्रायल में हॉर्स वोर्स रखते हो तो यहाँ पर आपके लिए ये विलेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें सैडल देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर ये विलेजर सो गया क्या, नाइट हो गई क्या? अबे यार नाइट तो हुई नहीं है, कैसे सो गया पता नहीं यार, कैसा लॉजिक है माइनक्राफ्ट का। एंड अभी वो यहाँ पर मेरे ख्याल से हो गई नाइट, क्योंकि ये सोया था विलेजर, पता नहीं यार मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे सोया ये। एंड ये नाइट होने से पहले ही सो गया। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।